you to say. Amazing God is eyes. तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सभी के। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज देख लो, मस्त मैं गेटअप पहन के रेडी हो चुका हूँ। आज है 31 मार्च और यार धूप रायपुर शहर में मतलब आसमान छू रहा है बहुत ज्यादा। देख रहे हो पीछे बहुत सारा धूप है, बट कोई नहीं, धूप से हमें डरना नहीं है। ब्लॉग बनाने के लिए हम निकल पड़े हैं और आज मैं गाइस आप लोगों को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ MBA चावला का न्यू आउटलेट जो कि शंकर नगर चौपाटी के बाजू में ओपन हो गया है। 2-3 ब्लॉग पहले मैं बनाया था शंकर नगर चौपाटी के ऊपर, तो आप लोगों से ब्लॉग में ही पूछा था कि अगर किन्हीं को देखना हो न्यू आउटलेट जो कि MBA चावला का है तो आप लोग कमेंट करना, मैं ब्लॉग बना दूंगा। तो यस भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया कि भाई आप जाओ और MBA चावला के ऊपर ब्लॉग बनाओ। तो आज मैं रेडी हो चुका हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए MBA चावला का न्यू आउटलेट शंकर नगर चौपाटी में। तो देखते हैं क्या प्राइसेस है, क्या सर्विसेस है जाने के बाद। एंड आई होप कि ब्लॉग अंदर अलाउ हो, अगर ब्लॉग अंदर अलाउ नहीं होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मेरे ख्याल से अलाउ होना चाहिए। बाकी चलिए देखते हैं वहीं आउटलेट पे क्या होता है। Few moments later. तो गाइज फाइनली धूप में मैं पहुंच चुका हूं MBA चावला के आउटलेट के सामने। देखो, और 9 मार्च को ओपन हुआ था। चलो अपन अंदर चलते हैं और बाहर का इमेज दिखाना चाहूँ। देखो कुछ ऐसा दिखता है, पूरा ऊपर बिल्डिंग है और बाजू में आपका शंकर नगर चौपाटी, उसका ब्लॉग मैं रेडी बना चुका हूँ। और ऐसा कुछ दिखता है MBA चावला का आउटलेट। तो आज भाई चलते हैं अंदर MBA चावला के आउटलेट के अंदर। तो बाहर से कुछ गेट ऐसा है और अंदर आते हैं MBS कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो गाइस MBA चावला जो रायपुर में आउटलेट है, सुबह 9 बजे ओपन हो जाएगा और रात को 10 बजे क्लोज हो जाएगा। तो चलो कुछ ऑर्डर कर ही देते हैं। तो भाई प्राइस लिस्ट की बात करूँ या मेन्यू की, तो ऊपर पढ़ सकते हो। और भैया से बात किया तो इनका जो स्पेशल है ना MBA चावला, एक स्पेशल चाय आता है वो वाला है। तो मेरे को आप MBA जो चाय वाला स्पेशल है वो दे दीजिए, और साथ में ही बन आता है ना, बन कोई देखा था वीडियो में, अच्छा MBA का बन मस्का भी आता है। तो देखो एक बोर्ड इधर भी लगा हुआ है, मैं आप लोगों को ऐसे दिखा रहा था। एक आपका प्राइस लिस्ट वहाँ है और दूसरा आपको प्राइस लिस्ट बोलो या मेन्यू बोलो यहाँ है। तो समोसा का यहाँ प्राइस 40 है, पोहा का 50 है, उपमा का 50 है। तो अपन ले लेते हैं एक मस्का बन ले लेते हैं जो कि 49 का दिख रहा है मुझे, और एक MBA चाय वाला जो स्पेशल चाय है वो ले लेते हैं। तो आप लोग को ऊपर से मैं प्राइस मेन्यू दिखा दे रहा हूँ। तो गाइज मैं एक और बात सुना था MBA चावला के बारे में, जो कोलकाता के ऊपर वीडियो देख रहा था, कोलकाता में जो MBA चावला का आउटलेट है, कि अगर आप चाय सिर्फ पीना है तो आउटलेट के बाहर पियोगे, और आउटलेट के अंदर आते हो ना तो चाय के साथ एक और आइटम उनको लेना पड़ेगा। तो रायपुर में क्या वो स्थिति है कि नहीं, वो पूछ के आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए किसी को 15-20 रुपये का जो चाय है, ठीक है 20 रुपये का, वो सिर्फ पीना है तो अंदर आकर बैठ के पी सकता है कि उसको बाहर पीना पड़ेगा? सर यहाँ भी पी सकते हैं, जैसे आप बाहर पी सकते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ कोलकाता का वीडियो देख रहा था, कोलकाता में जो आउटलेट है तो वहाँ ऐसा है कि अंदर आते हो ना तो आपको चाय के साथ एक आइटम लेना कंपलसरी है, मतलब कुछ भी लो कंपलसरी है कोलकाता में। तो वही सोचा कि आप लोगों से, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो मेरे को आप एक चाय दे दीजिए, बन लगा दीजिए, है ना। तो एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करा दूँ कि यहाँ जो सुविधा है सर्विस, उसमें क्या क्या है। तो देखो फैन लगा हुआ है और बाजू में आपका AC भी लगा हुआ है। ये देखो सब्र का फल चाय होता है, नॉर्मली ये कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल यहाँ चाय होता है, मतलब अच्छा ब्रांडिंग। और नीचे दिखाऊँ तो देखो ये छत्तीसगढ़ की पारंपरिक जो संस्कृति होती है ना उसका भी दर्शाया गया है, तो बढ़िया है। और इधर दिखाऊँ तो फोटो देख सकते हो अपने प्रफुल्ल भाई का चाय बनाते हुए। और इधर एक और चीज़ आपको सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, ये देखो फ्री चाय फॉर फ्रंटलाइन वर्कर, मतलब कि फ्रंटलाइन वर्कर जो भी है, डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस है, उन लोग के लिए, सभी के लिए चाय जो है फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, 365 डे 24x7, मतलब जब भी वे लोग आएंगे तो उनको चाय फ्री में मिलेगा। तो ये एक इनकी जो सर्विस है ना, मतलब प्रफुल्ल भाई का ज़बरदस्त मज़ा आ गया। तो अपने इधर चाय और मस्का बन रेडी हो चुका है, अभी अपन इसको इन्जॉय करते हैं और आपको लाइव रिव्यू बताएंगे। तो मस्त सोफा सेट लगे हुए हैं आपके सेवा में, आप लोग आइए बैठिए और मस्त चाय का एंजॉय कीजिए। तो वह जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है टी के लिए, और ऊपर दिखाऊँ तो उसमें मलाई भी होते हैं ना, वो भी जम गया। तो पहले तो टी के एक सिप लेते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं, मतलब मज़ा आ गया। जो चाय है ना इसमें, मतलब आप पहचान नहीं सकते हो कि कौन कौन से फ्लेवर है, लेकिन फ्लेवर बहुत सारे हैं। हाँ, और ऐसा चाय मैं घर में तो नहीं पिया हूँ, इतना तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। और मैं कोई चाय लवर नहीं हूँ, आप लोग बता दूँ, इसको सुन के बता दूँ कितने सारे इसमें मसाले पड़े हैं, लेकिन यार मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा बन को भी ट्राई करता हूँ। तो गाइज बैकग्राउंड में पंखे का नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैं वॉइस डब कर रहा हूँ, और मैं यहाँ बातें कर रहा था चाय का और बन का। तो चाय बहुत लाजवाब था,
चाय को 10 out of 10 देना चाहूँगा। वहीं बन की बात करूँ तो बन को मैं 8 out of 10 देना चाहूँगा, क्योंकि जो बन था ना वो और स्पंजी हो सकता था। मतलब देखने से ऐसा लग रहा था कि वो ढंग से रखा नहीं गया है, कुछ सूखरे टाइप लग रहा था। हाँ जी, तो अपना चार मस्त ख़त्म हो गया है। तो यहाँ का इस रेस्टोरेंट में या इस आउटलेट में एक न्यू चीज़ ओपन है, और क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ का चाय पीते हो, बन खाते, जो भी यहाँ का चीज़ आप इंजॉय करते हो ना, तो उसको आप यहाँ फीडबैक दे सकते हो। और उसके लिए एक नॉर्मल सा एक नोटबुक रखा हुआ है, और इसमें आपको टेस्ट कैसा लगा कि इसको अपने बारे में जो भी फीडबैक हो सकता है ना, उसको आराम से लिख सकते हो। अगर कुछ गलती होती है तो इन फ्यूचर ये लोग उसमें सुधार भी करेंगे, इसके लिए बढ़िया है। तो चलो अपना ही फीडबैक दे देता हूँ, मुझे तो यार अच्छा लगा और अच्छा ही फीडबैक दूंगा। हाँ जी गाइस, तो बिल देख सकते हो, बिल हमारा बना है टोटल 69 का 70 मान लो इसको, जो कि एक MBA स्पेशल चाय था। 20 रुपीज़ का 100 ml मिलता है, और 120 ml लोगे तो 30 रुपीज़ में मिलेगा। और एक है MBA स्पेशल बन जो कि 49 का है, और टोटल हो गया आपका 69। तो 69 में आप इतने बढ़िया आउटलेट में अंदर विथ AC विथ फैन इन्जॉय कर रहे हो चाय को, तो मतलब कोई दिक्कत है इसमें। तो अभी 20 रुपये में चाय आपको मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। आप लोग आओ, इसको इन्जॉय करो। चाय और बन हमारा कंप्लीट हो चुका है, 69 में बेस्ट था। तो आप लोग को आना हो तो आप लोग आओ संगनगर चौपाटी में, और MBA चाय वाले का इन्जॉय कर सकते हो। मिलेंगे जब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।